सुप्रभात। और बड़ों को भी सुप्रभात, छोटे बच्चों को प्यार। सब कैसे हैं? अच्छे हैं जी। रहना अपन को है ना। चलिए, अभी तक अपन ने पाठ पढ़े हैं, आज हम व्याकरण वाटिका पढ़ाएंगे। व्याकरण मतलब ग्रामर और वाटिका बगीचा है ना, गार्डन, तो इसमें पढ़ेंगे। और व्याकरण हमें क्यों पढ़ना रहता है ये तो सबको मालूम है। व्याकरण से हमारी हिंदी में जो अशुद्धियाँ रहती है उसमें सुधार बताया जाता है। कौन सी चीज में कहाँ चंद्र बिंदी लगना है, कहाँ पे चंद्र लगना है, कहाँ पे अल्प विराम, कहाँ पर पूर्ण विराम, कहाँ पे योजक चिन्ह, कहाँ पे विस्मादिक वादिक चिन्ह, ये सब हमें व्याकरण के द्वारा मालूम पड़ता है। हिंदी तो बहुत सरल है, लेकिन उसको लिखने का तरीका, किस तरह से लिखना है, किस तरह से बोलना है, हम क्या शब्द बोलते बहुत है, लेकिन कई चीज़ों में बहुत अशुद्धियाँ रहती हैं लिखते टाइम में। बहुत उस अशुद्धियों का सुधार हमें व्याकरण के द्वारा होता है, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आज हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार मतलब पर्यायवाची शब्द। एक ही चीज को अपन कितनी तरह से बोल सकते हैं, एक चीज के कितने नाम होते हैं। जैसे कनक सनक सौ के नाम, एक पाए बोरा, एक पाए क्या हो, एक पाए को तो क्यों पोरा, एक राग बैराग हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। तो कनक 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 मतलब धतूरा, एक कनक कुछ होता है सोना। तो एक ही चीज के दो अर्थ रहते हैं, उसको कहते हैं शब्द भंडार। जैसे आप चलिए यहाँ पे अपन बुक में क्या क्या है, छोड़ो उसको कनक कनक को, आप देखो हमने व्याकरण वाटिका कक्षा 3 और 4 में अपना शब्द भंडार विकसित किया मतलब बढ़ाया था। यहाँ उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है। पिछली पुनरावृत्ति के साथ साथ हमने शब्द सीखी, यह पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द सबको अच्छे से याद होना चाहिए, ये हमेशा क्लास 12 तक ही काम आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी आपको 5th में ही काम आ रहा है, 12 तक ही काम आएंगे। और वीडियो नंबर 9 है। वीडियो नंबर कौन सा है? 9। अपन इसके पहले देख चुके हैं 8 तक वीडियो, अब ये वीडियो नंबर 9 है, ठीक है ना। चलिए आज अपन पढ़ रहे हैं शब्द भंडार पर्यायवाची। लगभग समान अर्थ वाले या रखने वाले शब्द पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या कहते हैं? एक ही शब्द के और अर्थ आते हैं उसे पर्यायवाची कहते हैं, या समान अर्थ रखने वाले या समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अतिथि अतिथि मतलब मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत। आगंतुक मतलब आने वाला, मेहमान पाहुना, पाहुना गाँव के लोग पहले होते हैं पाहुना। अब देखो इसी को देखो, अशुद्ध अशुद्ध में आ गया, गाँव के लोग होते पाहुना पाहुना पाहुना, तो इसमें क्या है पाहुना। तो इससे अभ्यागत किसी चीज का अभ्याग, अध्यापक शिक्षक, गुरु आचार्य। फिर आ गया आँख, आपको नैन नयन लोचन चक्षु, इतनी चीज बोलते हैं आपको। आकाश आकाश का नभ, व्योम आसमान गगन, इस तरह जो हो गया। आग अग्नि, अनल पावक ज्वाला, जो हो गया आपका। फिर गंगा, गंगा नदी है मालूम है ना, बहुत सबसे पवित्र जल गंगा का होता है ना, मालूम है गंगा को कि गंगा का जो जल रहता है बॉटल में कितने साल तक भी रख लो ना उसमें कीड़े पड़ते ना बदबू आती है, सबसे पवित्र जल गंगा का है। तो गंगा को क्या क्या बोलते हैं देखिए, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी। अच्छा भागीरथी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा तपस्या भागीरथी ने करी थी, तभी शंकर जी के शीश से क्या निकली थी, गंगा। गंगा नहीं तो पृथ्वी पे लाने वाले कौन है, भागीरथी, इसलिए उसको भागीरथी भी कहते। जाह्नवी, जाह्नवी मतलब गंगा होता है ना। अब घर, घर को अपन क्या क्या बोलते हैं, भवन, ग्रह, आलय, सदन। आलय, आलय में अपन एक जोड़ दो, देवालय मतलब वो भगवान का घर होगा, और आलय क्या हो गया, अपना घर हो गया जिसे अपन रहते। फिर आ गया चांद, चांद को क्या क्या बोलते, शशि, मयंक, राकेश, सुधाकर, ये सब क्या हो गया, चांद का हो गया। अब अपन जंगल, जंगल को और क्या क्या चीज बोलेंगे, विपिन, कानन, अरण्य, वन, इतनी
चीजें जंगल बोलते, जंगल को वन तो सबको मालूम है, विभिन्न मालूम, एक दो शब्द और नए सीखना है। ये नए शब्द जितने भी पर्यायवाची शब्द है ये हम बतला रहे कक्षा 12 तक आपके काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे। इसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, अच्छे से याद करना है, बिल्कुल पक्का। एक चीज अपने दिमाग में बैठ जाती है फिर कभी नहीं भूलती, इसलिए ऐसा याद करना है कभी हमें भूल ही नहीं पाए, फिर याद आए कि अरे पृथ्वी हम इसलिए याद करवाया था अपन को जी चीजें, है ना, आती है ना। ऐसे हमें भी अपने गुरु की याद आती है, अरे हमारी उस टीचर ने हमें ऐसा सिखाया था। चलिए अब छोटे टोली, मंडली, दल, समूह, फिर आ जाएगा तालाब, तालाब को क्या बोले, तड़ांग, सर, सरोवर, ताल, जलाशय, जलवान, पोखरा। जलाशय जहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है, तो बारिश होती है, छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं उसमें इकट्ठा होता है, शिव तिलक, टीका, अभिषेक, तिलक को क्या बोलेंगे, टीका और अभिषेक, त्योहार, त्योहार का पर्व, उत्सव, समारोह, जलसा, जश्न। फिर आएगा दिन, दिन को क्या बोलेंगे, दिवस, बासर, दिवा, वार, रोज। ये अपन क्लास थर्ड में ही पहले पढ़ चुके थे, आप लोगों को रिपीट हो रहा है और ध्यान रखना। फिर दीपक, दिया, दीवा, दीप, प्रदीप। अब धरती, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरणी। ये हो गया अपना शब्द भंडार एक पेज का, पेज नंबर 86 हो गया। अब पेज नंबर 87 में देखिए थोड़े से और हैं और हम उसको और पढ़ेंगे। नदी, सरिता, तरंगड़ी, तटिनी, दरिया, सारंग और फिर सरी। पक्षी, पक्षी को क्या क्या बोलेंगे देखिए, खग, विहंग, पखेरू, चिड़िया, केचर। अपन जरूरी पक्षी को पक्षी पक्षी बोलो, नए नए शब्द बोला करो, अपने छोटे भाई बहन भी सीख जाएंगे अगर उनको नहीं आते, घर पे ऐसे बोला करिए। पत्ता, पत्र, दल, पल्लव, पण, पत्थर, पत्थर को पाषाण, पाषाण युग था ना पहले, पत्थर के युग पत्थर से आग जलाते थे घिस घिस के, है ना, पत्थर की थाली में रोटी खाते थे, पत्थर से पेड़ पौधे को काटते थे, पाषाण, प्रस्तर, शिला। अब आ गया पत्र, चिट्ठी, खत। अब आ जाएगा पहाड़, पहाड़ को क्या क्या बोलेंगे, पर्वत, भूधर, नग, अचल, शैल, भूधर। फिर आ गया पाठशाला, भूधर दो बार आ गया बुक में, कोई बात नहीं है ना, पाठशाला, विद्यालय, मदरसा, स्कूल, गुरुकुल। जी आ गया अपना इसमें। फिर आ जाएगा पानी, नीर, वारी, जल, अम्बू, पय, पे, सलिल। अब आ गया वृक्ष, वृक्ष या फिर पेड़ कुछ भी बोल सकते हैं, वृक्ष, तरु, विरवा, विटप, गाछ, ध्रुव, पादम। फिर आ गया प्रयत्न, प्रयत्न करना है बार बार, जो चीज नहीं आती उसका प्रयत्न करो बेटा, बार बार कोशिश, प्रयास, चेष्टा। फिर आ जाएगा प्रसन्नता, खुशी, आनंद, हर्ष, उल्लास। अपने आप कोई अच्छे लोग आए जिसे अपन बहुत प्यार करते, कितनी खुशी होती, प्रसन्न होती, दीपावली कितने उल्लास से मनाते हैं, इसको सबको कहते हैं प्रसन्नता। प्रार्थना, विनती, निवेदन या आशा, ईश्वर से रोज प्रार्थना करा करो, हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि दो, हम सन्मार्ग पे चले, अच्छे इंसान बने, गलत राह पे नहीं जाए, इसको कहते हैं प्रार्थना। विनती करना, फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, गुल, मंजरी, है ना, इसको फूल को कहते हैं। बगीचा, आप बगीचा को सबसे पहले तो अपन पढ़ रहे हैं क्या, वाटिका, वाटिका को भी कहते हैं बाग, उद्यान, उपवन, वाटिका, बगिया। ये हो गया बगीचा का। अब आ गया बादल, बादल को क्या क्या बोलेंगे, मेघ, जलधर, पयोध, घन, पयोधर, वारिध। अब आ जाएगा बेटा, बेटा आप मम्मी के बेटे, मम्मी क्या क्या पुकारती है देखो, बेटा, आत्मजय, तनय, सोत, तनुज, वस, नंदन। भौरा, भौरा फूल के ऊपर बैठते ना, भौरा जो फूल फूल का रस ले जाके अपना शहद बनाता है, तो भ्रमर, अली, मधुक, देखो इसी इसका नाम मधुक भी आ गया, मधुकर, षष्टपद, भ्रम। फिर आ जाएगा माँ, माँ को क्या बोलते हैं, माता, जननी, मात्र,
अब्बा, जनित्री, फिर मित्र, मित्र को क्या बोलेंगे, दोस्त, सखा, सहचर, मीत, साथी। अब सखा जैसे लड़की का मित्र है तो सखी भी बोल सकते जो लड़के रहती तो। राजा, राजा कौन, रब, भूप, नरेश, भूपति, सम्राट, भूपाल। अब जाएगा रात, रात्रि को क्या क्या बोलेंगे, रात्रि, निशा, यामी, रजनी, यामा, राय। अब आ जाएंगे अपन वर्षा पे, वर्षा को बारिश, वर्षा, वृष्टि, बरसात, पावस, वर्षा। फिर आप लोग क्या है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी को क्या क्या बोलेंगे, टीचर देखो, छात्र, शिष्य, शिक्षार्थी। फिर आ जाएंगे शाम, साय, संध्या, सांझ, गोधूली, प्रदोष काल। फिर आ जाएगा समुद्र, समुद्र सागर, जलधि, वारिधि, रत्नाकर, नदी, सिंधु। अब लास्ट में संसार, जग, जगत, दुनिया, सृष्टि। ये अपने पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आप पर्यायवाची शब्द पढ़ेगा, आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपने वो व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है, व्याकरण हिंदी के साथ साथ व्याकरण क्यों जरूरी है, तो हमने आपको बताया ना, व्याकरण हमें अशुद्धियों को दूर करना सिखाती है, व्याकरण से हमें मालूम पड़ता है कहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कैसे पूर्व विराम लगाना है, एक ही शब्द दो बार आए तो योजक शब्द कहाँ लगाना है, आह कहाँ आपके बाद क्या आएगा, आह यह क्या हो गया, तो कौन सा चिन्ह आएगा उसमें, कौन सी वाली बात है, ये सब हमें प्रयोग करी जाती है। व्याकरण हमें इन सब बातों का करना सिखाता है, कहाँ पे क्या लगाना है। व्याकरण से हम अशुद्धियों को दूर करते हैं, हिंदी हमारी शुद्ध होती है, इसलिए हमें व्याकरण जरूरी है। ध्यान रखिए, पूरे पर्यायवाची याद करना है, बुक से पूरे लिख लिख के याद करना है। हम क्लास लगेगी तब पूछेंगे पर्यायवाची, एक बार पढ़ा चुके हैं, वापस रिवीजन करवा रहे थे ताकि आप भूलो नहीं, वापस बुक उठा के पढ़ लो, ठीक है। अपनी सुरक्षा रखना, और फिर से कोरोना आ रहा है, फिर मास्क लगा के बाहर जाना, सैनिटाइजर करना, आप अपना स्वयं ध्यान रखना। अब आप लोग बड़े हो गए बेटा, आप सुरक्षित रहेंगे तो घर परिवार के सभी लोग भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।